ऑनेस्टली इट्स आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी बोला। आउटस्टैंडिंग यार, मतलब सच में बहुत अच्छी थी, एक्शन अच्छा था, मजा आ गया देखकर। बोला अच्छी है, कैथी की रिमेक है, कैथी मैंने देख ली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी मुझे। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैथी मैंने देखी हुई है तो अजय सर ने काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है मूवी को। सो एक्शंस बहुत अच्छे हैं और एक्शंस इसमें जो हमारी पब्लिक है, ऑडियंस है ना, उनको ये एक्शन बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज बहुत ही एरी सीन्स हैं जहाँ पे यू नो यू सी द ब्लड, ब्लड आप देखते हो लेकिन इसमें कुछ एक नॉच ऊपर का एक्शन है, यू सी द बोन्स कमिंग आउट, तो वो थोड़ा एक मेरे को नया लगा विच वॉज ऑल्सो गुड। तो मूवी अच्छी लगी। एज अ कमांडिंग ऑफिसर तो मैं उनको दाद देना चाहूँगी कि दृश्यम में भी वो कॉप बनी है, इसमें भी एज उनके कमांड जो है सीन्स में बहुत अच्छे लगे। और डायरेक्शन कैसा लगा अजय सर का? ऑब्वियसली मैं वही आपको बताया जैसे पहले भी कहा मैंने कि उनका डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी मूवी भोला को? मैंने 3D में देखा एंड Honestly, it's outstanding. मुझे बहुत अच्छी लगी बोला। बोलते हैं कैथी का रीमेक है बट वो पूरा का पूरा रीमेक नहीं है, अडेप्टेशन है कैथी का। बोलते हैं ना, मतलब आजकल कैसा होता है कि रीमेक का सत्यानाश होता है बट यहाँ पे रीमेक को एक अलग लेवल पे बनाया गया है। प्रॉपर 3D जो एक्शन स्टंट्स है ना वो प्रॉपर 3D विजुअल्स के लिए है। आप वो कोई दूसरे एक्शन मतलब 2D में देखोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा बिकॉज वो स्टंट्स जो है ना वो आंख से नजदीक से देखो ना तो आपको मजा है वो देखने के लिए। अजय सर का डायरेक्शन तो हमने शिवाय में भी देखा था, रनवे 34 में देखा था, लेकिन यहाँ पे उनका सुपर डुपर है, अलग ही लेवल पे उन्होंने एक्शन किया है। स्टंट्स उन्होंने जिस तरीके से बाइक स्टंट किया, त्रिशूल वाला एक्शन था अमेजिंग। कैसी लगी बोला? बोला बोला तो सबसे पहले मैं बोलूँ कही थी कि रीमेक है, कही थी मैंने देखा था लॉकडाउन में, हालांकि थिएटर में तो मजे नहीं ले सकते हम लोग, कि लॉकडाउन में मैंने देख लिया था पिक्चर यूट्यूब पे और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर लोकेश भाई की। क्योंकि मैंने कही थी क्यों देखी मालूम है? क्योंकि मैंने जब लोकेश भाई की मास्टर देखी, बोले उनके डायरेक्शन में कही थी भी बनी थी तो कही थी देखा था, फिर पता चला अजय देवगन इसकी रीमेक बना रहे, रीमेक बनाया तो बाद में मैंने जब इसका ट्रेलर देखा मैं आउटस्टैंडिंग, और आज पिक्चर देखा मैं बोलूँ कि अजय देवगन सर जो इतनी अच्छी रीमेक्स बनाते हैं जैसे कि सिंघम, त्रिशम, बोल बच्चन हो गए, बोले ये उनके डायरेक्शन की रीमेक है, आउटस्टैंडिंग यार, मतलब सच में। बोला कोई भी एक्टर जो एक्टर रहते हैं वो डायरेक्शन में फेल ही रहते हैं कोई भी, पर अजय देवगन ने अभी तक शिवाय, रनवे 34 और भी एक पिक्चर थी उनकी और अभी ये 4th पिक्चर उनकी, जो भी मैंने अभी उनकी डायरेक्शन में देखी ना आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। और उनकी VFX मतलब कुछ कुछ इन्होंने अपना खुद का जो ऐड किया है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे नहीं लगा कि यार खाली पीली ऐड किया, ऐसा भी नहीं मुझसे निकला, परफेक्टली मतलब स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का सीन तो एकदम लंबा खींचा, उनके एंट्री तो कम से कम 15-20 मिनट की बात है, पर जो लोग ने वो स्टार्टिंग का सीन बताया ना एकदम डिटेल, हाँ स्क्रीन पे थोड़ा फास्ट गया वो टाइम पे इंटरवल के पहले, पर ठीक है, नेवर माइंड, क्योंकि स्क्रीन पे फास्ट भगाने पड़ा क्योंकि एक्शन सीन्स बहुत थे इसके अंदर, भर भर के एक्शन। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, एक्शन अच्छा था, मजा आ गया देखकर। आपका मूवी के बारे में? रीमेक मूवी थी, रीमेक तो नहीं कह सकते हैं इसका, रीमेक का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, जहाँ पर कैथी एकदम रॉ थी वहाँ पे अजय देवगन ने इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो लोगों को बहुत पसंद आई। अजय सर का डायरेक्शन कैसा था? कुछ अमेजिंग पार्ट लगा डायरेक्शन में? अजय देवगन का डायरेक्शन एक्चुअली हमेशा अमेजिंग होता ही है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बोलेंगे, उनके जो फ्रेम्स होते हैं बहुत सही लगता है, जिस हिसाब से कैरेक्टर्स बनाया है, उनके आसपास का बिल्डअप दिया है, एज अ डायरेक्टर उन्होंने बहुत सही किया, ऐसा लगा ही नहीं कि एक्टर डायरेक्ट कर रहा है। आपको कैसा लगा डायरेक्शन? अजय देवगन का डायरेक्शन तो हमेशा से अच्छा ही रहता है, जैसे हमने शिवाय फिल्म में देखा उनके जो अलग ही वे का डायरेक्शन है जो बॉलीवुड से थोड़ा हटके रहता है, इस बार भी उन्होंने कहीं से तो सीख ली है लेकिन फिल्म को बहुत तगड़ा बनाया। तब्बू एज अ कॉप ऋषम के बाद फिर से एक और बार कॉप के नज़र में आए वो, तब्बू चाहे जो कर ले वो तो सही लगती है बट एज अ कॉप ये अलग था, उनका ये कॉप अवतार कहीं ना कहीं एक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस अलग है, बहुत सही था। कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी लगी सर भोला मुझको। और क्या कुछ है भोला में आपको सबसे अच्छी बात? फिल्म ये है सर, स्टोरी तो ये है, फिल्म ड्रग्स के ऊपर है ये, कि जो आदमी दारू पी के, स्मैक पी के, गांजा पी के, अफीम खा के बच्चे पैदा कर देते हैं, उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे, भगवान का नाम लेके आदमी को बच्चे पैदा करने चाहिए। अजय सर की डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया उन्होंने और बहुत बढ़िया एक्टिंग की, और तब्बू मैम ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की, एक छोटी सी बच्ची है उसने बहुत बढ़िया काम किया। कॉप में कैसा था बढ़िया, एक नंबर, वो तो लंबी इतनी है, पर्सनालिटी जमती है, और कोई हीरोइन नहीं जमती, मतलब बहुत कम हीरोइन है, ऐसी बात नहीं कि वो दूसरी कोई नहीं जमती, कम हीरोइन है जो जमती हैं।
3D में थी एक्शन सीन्स कैसे लगे? बढ़िया बढ़िया, ऐसा लग रहा है एकदम अपने ऊपर आ रहा है। डर गया मैं कई बार, देखा डर गया मैं अपने ऊपर ना गाड़ी आ जाए, अपने ना गोली लग रही हो। बोला पिक्चर मैंने देखी अभी, अच्छी लगी, फुल ऑफ एक्शन है, एक्शन लवर के लिए बहुत बेहतरीन है और वन टाइम वॉच भी है, ऐसा फैमिली मूवी नहीं है, लेकिन मतलब जो बॉलीवुड थोड़ा की कमी है उसमें, लेकिन वन टाइम वॉच है पिक्चर, एक्शन की वजह से चलेगी 100%। हाँ रिमेक मूवी है, रिमेक मूवी है, लेकिन उसको उसको लग नहीं रहा है रिमेक मूवी, 3D ओरिजिनल लग, ओरिजिनल मूवी लग रहा है, और 3D में देखने के लिए बहुत मजा आती है। अजय जी का डायरेक्शन कैसा लगा? अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है उसका। 3D में एक्शन सीन्स, 3D में ही देखना चाहिए पिक्चर, 3D में ही देखना चाहिए, 2D में मजा नहीं आएगा। सॉन्ग कौन से आपका फेवरेट? एक आइटम सॉन्ग था वो अच्छा लगा, याद नहीं है, अच्छा लगा। 3D में अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा। एडिटिंग के लेवल कैसा था? सिनेमेटोग्राफी? वो लास्ट सीन बेहतरीन था, जो सस्पेंस, जो सस्पेंस जो दिखाया है अभिषेक बच्चन का। भोला, मुझे मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई थिंक मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये नेक्स्ट लेवल होगी, और मूवी मुझे बहुत पसंद आई। मूवी में बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स है, फैंटाबुलस, और 3D इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे। यूजुअली 3D ग्लासेस देते हैं लेकिन कुछ ऐसे होता नहीं है, और एक्शन तो हॉलीवुड लेवल का है, SS राजामौली की मूवी जैसा एक्शन है, तो जो विजन है वो देख के बहुत अच्छा लगा। अजय देवगन, मतलब 100 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर ली हैं, और अभी डायरेक्शन में भी उन्होंने अपना झंडा गा दिया, शिवाय मूवी हो या रनवे 34, मुझे अच्छी लगी। रनवे 34 भी मूवी बहुत अच्छी थी, और ये मूवी में भी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है, डायरेक्शन इतना बेमिसाल है, सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है असीम बजाज की, एडिटिंग क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी, कहीं ड्रैग नहीं किया, कोई रैंडम सीन है, तो धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग बहुत अच्छी है, और रवि बसरूर का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। तो मतलब सभी मतलब ओवरऑल जैसे मास एंटरटेनर कहते हैं वो ये मूवी में खूबी है।